हाँ नाम तो सुना ही है ना आपने, सेल्स टैक्स क्या होता है कुछ आइडिया? गवर्नमेंट को देते हैं, कौन देता है? हम कौन? सप्लायर, हम सप्लायर है, कंज्यूमर कंज्यूमर, हो ना, कस्टमर हाँ कंज्यूमर का जीएसटी वही, टैक्स। हाँ जीएसटी, तो सेल्स टैक्स वो जीएसटी है ना, जनरल सेल्स टैक्स। अच्छा टैक्स लगाता कौन है? गवर्नमेंट गवर्नमेंट लगाती है, पे कौन करता है? कस्टमर कंज्यूमर पे करता है। अच्छा, कंज्यूमर किसे पे करता है? सप्लायर सप्लायर को, दुकानदार को, दुकानदार किसको देता है? फिर जाके गवर्नमेंट को देता है। तो गवर्नमेंट के लिए क्या हो गई? इनकम, और कंज्यूमर के लिए एक्सपेंस हो गया ना, हमारा एक्सपेंस हो गया, हम पे कर रहे हैं, गवर्नमेंट रिसीव कर रही है, गवर्नमेंट के लिए इनकम हो गई। राइट, तो गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, कंज्यूमर पे करता है, तो कंज्यूमर के लिए एक्सपेंस हुआ, गवर्नमेंट के लिए इनकम हो गई। अच्छा अब हम पे करते हैं दुकानदार को, टेलर होलसेलर को, वो जाके फिर गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा करवा। तो बिजनेसमैन के लिए क्या हुआ? दुकानदार के लिए, बिजनेसमैन के लिए, स्टोर वाले के लिए क्या है? इनकम, एक्सपेंस, लायबिलिटी, एसेट। लायबिलिटी लायबिलिटी हो गई ना, लायबिलिटी लायबिलिटी हो जाएगी कि कस्टमर से जो टैक्स रिसीव किया वो गवर्नमेंट तक पहुंचाना। लायबिलिटी आप किसको टैक्स दे रहे हैं? दुकानदार को, जैसे मान लेते हैं, वो क्या करेगा उसका जगह? कहाँ लायबिलिटी के कहाँ देगा? अच्छा वो आगे किसको देगा? उसकी लायबिलिटी लायबिलिटी हो गई ना, उसके लिए क्या लायबिलिटी के कस्टमर से जो टैक्स वसूल रिसीव किया वो गवर्नमेंट को पहुंचाना है। आप ये कह सकते हैं कि जो जितने भी बिजनेसमैन है, रिटेलर, होलसेलर, ये सब स्टोर मार्ट वाले, ये सब क्या एक तरह से गवर्नमेंट के एजेंट हैं, जो गवर्नमेंट के बिहाफ पे कंज्यूमर से, कस्टमर से टैक्स रिसीव करके गवर्नमेंट तक पहुंचा रहे हैं। ऐसे ही है, तो उनके लिए क्या बन गई? एक लायबिलिटी बन गई, ठीक है। तो गवर्नमेंट की इनकम हो गई, कंज्यूमर का एक्सपेंस, और बिजनेसमैन के लिए लायबिलिटी। लिखते हैं लिखेगा, लिखते हैं वेट क्या? वेट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स लेवाइड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय द सप्लायर। अच्छा लेवाइड मीन्स होते हैं चार्ज करना, तो टैक्स चार्ज करने के लिए टर्म यूज होती है लेवाइड। अच्छा पहले क्या पॉइंट कर, वेट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। अभी इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या? अच्छा अभी इनडायरेक्ट है तो कोई डायरेक्ट टैक्स भी होते होंगे। टैक्स दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अच्छा डिफरेंस क्या होता है इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट में? डायरेक्ट टैक्स वो होते हैं जो गवर्नमेंट डायरेक्टली पब्लिक से रिसीव करती है, या पब्लिक डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे करती है। ठीक, जैसे आपका इनकम टैक्स हो गया, प्रॉपर्टी टैक्स, मोटर व्हीकल टैक्स, गाड़ी का टैक्स होता है, ठीक, वो डायरेक्ट हम जाके खुद जमा करवाते हैं, वो कहलाते हैं डायरेक्ट टैक्स, जो पब्लिक डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करते हैं। अच्छा अब इनडायरेक्ट क्या होता है? जो इनडायरेक्टली गवर्नमेंट के पास पहुंचे। अब सेल्स टैक्स हम डायरेक्ट तो गवर्नमेंट को नहीं देते ना, हम किसे देते हैं? दुकानदार को, होलसेलर को, मार्ट वाले को, स्टोर वाले को, वो जाके गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा करवा रहे। तो इनडायरेक्टली गवर्नमेंट के पास पहुंच रहे, इसलिए कहलाता है इनडायरेक्ट टैक्स का। ठीक, इनडायरेक्टली गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक से रिसीव कर रही है। अच्छा तो इनडायरेक्ट टैक्स है, और ये लेवाइड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय द सप्लायर। चार्ज कौन करता है? सप्लायर गुड्स ये सर्विस प्रोवाइड करते वक्त कंज्यूमर से रिसीव कर लेता है चार्ज, और जाके गवर्नमेंट को पे। ठीक, अच्छा अब ये जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक हम पढ़ेंगे एक बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू। गवर्नमेंट के लिए हो गई इनकम, कंज्यूमर के लिए हो गया एक्सपेंस, और बिजनेसमैन के लिए लायबिलिटी। अच्छा टॉपिक जो हम पढ़ेंगे ना, पूरा टॉपिक ही हम पढ़ेंगे एक बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू, कि वो गुड सेल करते वक्त टैक्स चार्ज कैसे करता है, कितना करता है, खरीदते वक्त पे कितना करता है, गवर्नमेंट को किस तरह पे कर, ये सारी बातें। ठीक, तो ये टॉपिक हम पढ़ेंगे एक बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से सेल्स टैक्स की दो टाइप्स है, कि दो टाइप्स है, कहलाता है इनपुट टैक्स और दूसरा आउटपुट टैक्स। और ये कॉपी करें, इनपुट टैक्स क्या है? वेट ऑन परचेज, और आउटपुट टैक्स वेट ऑन सेल्स।
एक बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एक बिजनेसमैन, एक रिटेलर की बात करें, एक दुकानदार, एक रिटेलर, वो किससे खरीदेगा? होलसेलर से, या कंपनी से डायरेक्ट भी ले सकते हैं, नॉर्मली होलसेलर होता है। तो उस वक्त वो गुड्स परचेज करते वक्त टैक्स पे करे, वो कहलाएगा इनपुट टैक्स राइट ऑन परचेज। और फिर जब वो कस्टमर को सेल करेगा तो वो कस्टमर से टैक्स चार्ज करेगा, देगा, रिसीव करेगा, वो कहलाएगा आउटपुट टैक्स राइट ऑन सेल्स। अच्छा, इस पर भी बात करते हैं डिटेल में, तो ये चीज आपको क्लियर हो जाए। अच्छा, एक चीज और देखें, सेल्स टैक्स का जो रेट होता है ना, यहाँ तो मेरे 17.17% चल रहा है पाकिस्तान, 17। अच्छा, अब ये हर कंट्री में डिफरेंट होता है और एक कंट्री में भी कई रेट्स होते हैं, प्रोडक्ट वाइज इसके रेट चेंज होते हैं। अच्छा, अब हम ये वो नहीं देखना, यहाँ पे हम भी टॉपिक से पढ़ रहे हैं, तो यहाँ हम रेट यूज करेंगे टॉपिक में 17.5। जब तक क्वेश्चन में कोई और रेट गिवन नहीं होगा 17.5 यूज करेंगे, और अगर गिवन होगा तो वही रेट यूज करेंगे। तो क्वेश्चन में कभी 17.5 देता है, कभी 10% देगा, कभी 20% देगा, कभी रेट नहीं देगा। तो जहां पे रेट गिवन नहीं होगा वहां रेट क्या लेंगे? 17.5। तो ये हमारे टॉपिक का रेट, बाकी प्रैक्टिकली क्या चल रहा है वो हमें नहीं देखना। अच्छा, ये बताएं पहले, ये भी इसके और बात करेंगे अभी, बैठ ऑन पढ़ते हैं। ये बताएंगे एक प्रोडक्ट जो है वो कंज्यूमर तक कैसे पहुंचती है, किन स्टेजेस से होके पहुंचती है, क्या सीक्वेंस होती है? पहले मटेरियल बाय किया आपने, ठीक है, फिर उससे गुड्स मैन्युफैक्चर होंगी, फिर होलसेलर के पास जाएंगी, फिर रिटेलर के पास, फिर कस्टमर के पास आ जाए। सही, तो ये पूरे इसका एक सीक्वेंस। तो स्टार्ट करते हैं मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर, इसके बाद गुड्स आएंगी होलसेलर के पास या डिस्ट्रीब्यूटर के पास आ जाती हैं, उसके बाद रिटेलर के पास आती हैं, और फिर आखिर में सारे कंज्यूमर के पास। सारा ये सारा टैक्स भी देगा ना, वो करना दोस्त नहीं है तो बेचारा। अच्छा, फर्स्ट करते थे कि अब ये जो मैन्युफैक्चरर है इसने एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर की, और इसने एक मैन्युफैक्चरर है, इसने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर की जिसकी कॉस्ट आई 90, 10 का उसने प्रॉफिट ऐड किया और सेलिंग प्राइस हो गई 100। अच्छा, अब ये मैन्युफैक्चरर 100 में ये प्रोडक्ट सप्लाई करेगा किसको? होलसेलर को देगा। जब ये होलसेलर का गुड सप्लाई करेगा तो उस पर टैक्स लगाएगा कितना? 17.5%। ठीक है, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया? 117.5। अब जो होलसेलर है ये रिटेलर को 117.5 पे करेगा और गुड्स खरीद कर ले आएगा। ठीक, अच्छा, गुड्स पहुंच गए किसके पास? होलसेलर के पास। अच्छा, पहले हम बात करेंगे इसमें परचेज की, उसके बाद सेल्स पर आएंगे। होलसेलर ने गुड्स बाय की, 117.5 पे किए। अच्छा, होलसेलर अपने पास परचेज रिकॉर्ड करेगा पहले, तो परचेज पे आ जाते हैं पहले। ठीक है, परचेज की बात करेंगे तो ये परचेजेस रिकॉर्ड करेगा कितने से? 100 से। वैट पे कितना किया उसने? 17.5। और अकाउंट्स पेबल कितने हो जाएंगे इसके? 117.5। अच्छा, ये भी सिर्फ मैं अमाउंट यहाँ शो कर रहा हूँ, बाकी एंट्रीज अभी हम बनाएंगे इसकी, डेबिट क्रेडिट सब बात। ये यहाँ पर इस तरह परचेज रिकॉर्ड होंगी 100 से, वैट रिकॉर्ड होगा 17.5 से, और पेबल रिकॉर्ड होंगे 117.5। अच्छा, वैट का रिकॉर्ड जो है वो अलग मेंटेन होता है, क्योंकि बिजनेसमैन के लिए एक्सपेंस तो नहीं है ना, तो उसकी लाइबिलिटी है कि उसने गवर्नमेंट को देना है, तो वैट का अकाउंट अलग बनता है, इसको परचेज प्राइस में इंक्लूड नहीं कर, क्योंकि अगर इसे परचेज में इंक्लूड कर लें तो ये तो उसकी कॉस्ट बन जाएगी ना होलसेलर की, तो बिजनेसमैन बेयर नहीं करता, इसलिए परचेज जो रिकॉर्ड होंगे वो 100 से, टैक्स का रिकॉर्ड अलग मेंटेन होगा, पेबल जो है वो टोटल से रिकॉर्ड। अच्छा, इसने होलसेलर ने क्या किया? 100 की गुड्स परचेज की, उसके बाद अब ये सेल करते वक्त उसने क्या किया? अपना प्रॉफिट ऐड किया 20, तो सेलिंग प्राइस कितनी हो गई? 120। अब 120 पे टैक्स चार्ज करेगा 17.5%, जो बना कितना? 21। टोटल हो गया 141। ठीक, अब ये रिटेलर होलसेलर को 141 पे करेगा और गुड्स बाय करके ले आएगा। ठीक, अच्छा, गुड्स आ गई कहाँ? रिटेलर के पास। तो पहले परचेज की बात करते हैं, तो रिटेलर परचेज रिकॉर्ड करेगा 120 से, वेट 21 और पेबल 141 टोटल।
अब रिटेलर ने क्या किया, 120 की गुड्स परचेज की, सेल करते वक्त इसने 30 का प्रॉफिट ऐड किया, सेलिंग प्राइस हो गई 150, टैक्स चार्ज हुआ कितना 17.5%, तो वो बना 26.25 और टोटल हो गया 176.5। अब क्या होगा, आप ये जो कंज्यूमर है ये रिटेलर को 176.25 पे करेगा और गुड्स खरीद के ले आएगा। कंज्यूमर को गुड्स कितने की मिली, 176.25, ठीक दिस इज क्लियर। क्लियर है। अच्छा ये बताएं, अब इससे मुझे ये बताएं कि कंज्यूमर ने सेल्स टैक्स कितना पे किया, कितना 26 पॉइंट, कंज्यूमर ने सेल्स टैक्स कितना पे किया, 26.25। बाकी हाँ एक और बताएं, क्या ख्याल है, सही कह रहे हैं, कंज्यूमर ने सेल्स टैक्स कितना पे किया, 26.25, 26.25। सबका ही बिगड़ेगा, बोला सबका बिगड़ेगा। देखें ये जो प्राइस है ना, होलसेलर ने कितने में सेल की गुड्स, 100 में, 100 में होलसेलर ने प्रॉफिट ऐड किया 20 का, तो ये प्राइस हो गई 120। 120 में रिटेलर ने प्रॉफिट ऐड किया 30 का, तो प्राइस हो गया 150। तो ये जो 150 प्राइस है इसमें कोई टैक्स शामिल नहीं, 150 तो सिर्फ प्रॉफिट की वजह से पहुंचा है ना प्राइस, ठीक है, तो 150 में टैक्स इंक्लूड नहीं है, तो टैक्स कितना इंक्लूड हुआ, सिर्फ 26.25 का। जो पे करेंगे हाँ तो देखिए 100 से प्राइस पहुंच गया 176 पे, लेकिन 176 तक पहुंचने में 50 का प्रॉफिट है इसके अंदर और 26 का टैक्स, तो टैक्स सिर्फ कितना है 26.25, बाकी जो प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं प्रॉफिट की वजह से, ठीक। अच्छा अब कंज्यूमर ने टैक्स पे किया 26.25 का, तो गवर्नमेंट के पास कितना टैक्स पहुंचना चाहिए, सबका देखिए अभी हमने बात की कि गवर्नमेंट के लिए इनकम है, कंज्यूमर के लिए एक्सपेंस है, बाकी इनके लिए तो सिर्फ लाइबिलिटी। कंज्यूमर ने कितना पे किया 26.25, तो गवर्नमेंट को कितना मिलना चाहिए 26.25, सबको मिला के नहीं जाएगा, सबको मिला लेंगे तो वो तो उनके लिए एक्सपेंस ही बन जाएगा, फिर अगर ये सब ऐड कर लें ये तो फिर इनके लिए भी, बिजनेसमैन के लिए भी एक्सपेंस हो गया ना, वो अपने पास से भी दे रहे हैं, कंज्यूमर से लेके भी दे रहे हैं। तो जितना टैक्स कंज्यूमर पे करता है उतना ही टैक्स गवर्नमेंट को मिलता है, ठीक है, बिजनेसमैन अपनी जेब से थोड़ी देते हैं। कंज्यूमर ने कितना पे किया 26.25, तो गवर्नमेंट को मिलेगा 26.25, राइट। अच्छा कैसे मिलेगा आपको बताता हूँ। अच्छा देखिए आप इसमें एक और चीज बताएं, रिटेलर ने सेल्स टैक्स कितना पे किया था 21, होलसेलर ने कितना पे किया था 17.5, तो क्या ये इनको, अच्छा इनको वापस मिलना चाहिए नहीं, ये अमाउंट नहीं, वो तो उनका एक्सपेंस हो जाएगा फिर, ठीक है राइट। तो अब देखते हैं, ठीक है, इनको वापस कैसे होगा, गवर्नमेंट को कैसे पहुंचेगा, अब उस पर बात करें। अच्छा रिटेलर की बात करें, रिटेलर ने सेल करते वक्त टैक्स चार्ज कितना किया कंज्यूमर से, तो ये क्या करेगा, रिटेलर इस 26.25 में से 21 वो जो पे करके आया था वो माइनस कर दे, तो गवर्नमेंट को कितना पे करेगा 5 पॉइंट, बस उसका क्या हुआ, रिटेलर ने जो टैक्स पे किया वो मिल गया उसको, एक्सेस अमाउंट उसने गवर्नमेंट को पे कर दिया, इसका टैक्स अकाउंट क्लोज। होलसेलर ने टैक्स चार्ज कितना किया था रिटेलर से, होलसेलर ने चार्ज कितना किया था 21 सेल करते वक्त, तो खरीदते वक्त पे कितना करके आया था, ये माइनस करेगा इसमें से वो 13.5, कितने बज गया 3.5, गवर्नमेंट को कितने पे करेगा 3.5, गवर्नमेंट के बाद 3.5 और आ गए और होलसेलर का अकाउंट क्लोज हो, मैन्युफैक्चरर पे है, मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को गुड सेल करते वक्त टैक्स चार्ज कितना किया था और ठीक खरीदते वक्त पीछे पे कितना किया, इसके पीछे कोई है ही नहीं तो उसने कुछ भी पे नहीं किया, है। जीरो, ये गवर्नमेंट को कितना पे करेगा 17.5 और इसका भी टैक्स अकाउंट क्लोज हो जाएगा,
अब देखिए गवर्नमेंट जॉब टैक्स कितना आया, 17.5 प्लस 3.5 प्लस 5.25, तीनों को ऐड करें तो एग्जैक्ट 26.25 बनता है। ठीक है, तो इस तरह जितना टैक्स कंज्यूमर पे करेगा उतना ही गवर्नमेंट के पास पहुंचेगा, तो कंज्यूमर के एक्सपेंस होते जाएगा, गवर्नमेंट की इनकम, बाकी इनके लिए सिर्फ एक लायबिलिटी। ये सिर्फ सब क्या है, बिजनेसमैन गवर्नमेंट के एजेंट हैं जो गवर्नमेंट के बिहाफ पर कंज्यूमर से टैक्स रिसीव करके गवर्नमेंट तक पहुंचा लो। सही है, ठीक। ये कैलकुलेशन आपको बताता हूँ कि कौन कितना टैक्स पे किसको करता है, और यहां से आपको इनपुट और आउटपुट टैक्स समझ में आ जाएगा। कौन कितना टैक्स पे करेगा, तो मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को गुड सेल करते वक्त टैक्स चार्ज किया 17.5, और खरीदते वक्त कोई टैक्स पे नहीं किया, ये गवर्नमेंट को कितना पे करेगा, 17.5। होलसेलर ने रिटेलर को गुड सेल करते वक्त 21 का टैक्स चार्ज किया, और मैन्युफैक्चरर से गुड्स परचेज करते वक्त 17.5 पे किया, वो माइनस हो जाएगा, गवर्नमेंट को कितना देगा, 3.5। रिटेलर ने कंज्यूमर से टैक्स चार्ज किया 26.25, और होलसेलर से गुड्स परचेज करते वक्त टैक्स पे किया था 21, वो माइनस हो जाएगा, अभी गवर्नमेंट को कितना पे करेगा, 5.25। डायरेक्ट हाँ नहीं, अभी ये लोग डायरेक्ट गवर्नमेंट को देंगे, अकाउंट में जमा करा दे। ठीक है, अच्छा तो अब देखें यहाँ पर होल मैन्युफैक्चरर पे कर रहा है 17.5, होलसेलर पे करेगा 3.5, रिटेलर पे करेगा 5.25, तो गवर्नमेंट को टैक्स कितना मिल जाएगा, 26.25। अच्छा अब एक और पॉइंट यहाँ पे, वो आउटपुट और इनपुट टैक्स भी समझ आ गया आपको। इनपुट टैक्स क्या होता है, वैट ऑन परचेज, परचेज करते वक्त पे कर रहे हैं, और आउटपुट होगा वैट ऑन सेल, सेल करते वक्त जो चार्ज, उसने चार्ज किया था 26, आउटपुट हो गया पे किया था 21 ही, और दोनों का जो डिफरेंस निकलेगा वो हो जाएगा पे। अच्छा एक चीज और होती है, ये कैलकुलेशन तो वहां यूज होती है जहां पे प्रोडक्ट पे प्राइस प्रिंट नहीं, ये जो कैलकुलेशन हम कर रहे हैं ना, ये वाला ये कैलकुलेशन वहां यूज होती है जहां प्रोडक्ट पे प्राइस प्रिंट नहीं होते हैं, वहां इस तरह चलती है कैलकुलेशन। अच्छा नॉर्मली जो प्रोडक्ट्स आ रही है उनके तो प्राइस प्रिंट होता है ना सारे, रिटेल प्राइस, सेल्स टैक्स, टोटल। अब वो प्राइस प्रिंट कौन करता है, कंपनी करती है। ठीक है, अब होता क्या उसमें कि नॉर्मली यहाँ पर पाकिस्तान में खैर ऐसे ही होता है, ये जो रिटेलर होलसेलर है ये टैक्स नहीं दे रहे होते, क्योंकि उनका एक तो कोई प्रॉपर रिकॉर्ड ही नहीं होता मेंटेन, दुकानदार हमारे कोई रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, ऐसे सेल परचेस चल रही होती। होता क्या है कि जो मैन्युफैक्चरर है वो गुड्स मैन्युफैक्चर करता है, उसके बाद जब प्राइस प्रिंट करता है ना, तो वो कैलकुलेशन क्या करता है, वो इस तरह होती है, मैन्युफैक्चरर की अपनी सेलिंग प्राइस कितनी थी 100, होलसेलर का प्रॉफिट 20, रिटेलर का प्रॉफिट 30, टोटल कितना हो गया, 150। तो मैन्युफैक्चरर उसे प्रिंट करेगा रिटेल प्राइस 150, आगे लिखेगा प्लस जीएसटी सेल्स टैक्स कितना, 26.25, टोटल हो गया 176.5, ये प्राइस प्रिंट हो जाएंगे। और जब मैन्युफैक्चरर होलसेलर को या डिस्ट्रीब्यूटर को गुड सप्लाई करेगा, वो पूरा टैक्स उससे ले लेगा 26.2, मतलब उसे क्या करेगा होलसेलर, मैन्युफैक्चरर प्रॉफिट माइनस करेगा और टैक्स पूरा होलसेलर से ही ले लेगा टैक्स के साथ 156.2। इसमें तो वो देखें नहीं, 20 और 30 दो माइनस है, 50, दोनों का प्रॉफिट लेस हो जाएगा ना। अच्छा तो वो होलसेलर को कितने में देगा, 126.25, पूरा टैक्स वहां चला गया। उसके बाद में जो होलसेलर है वो मैन्युफैक्चरर को कितने में देगा, वो 20 ऐड कर देगा, 146.25 में देगा। मतलब ये डिसाइड करेगा ये सारे काम मैन्युफैक्चरर डिसाइड करता है, बिल्कुल ऐसे ही होता है, वही डिसाइड करता है किसको कितना प्रॉफिट देना है, बिल्कुल ऐसे ही होता है, कंपनी डिसाइड करता है। तो वो क्या करेगा, देखिए 176 में से दोनों का प्रॉफिट लेस करेगा 20 और 30, कितने में देगा वो इनको, वो देगा होलसेलर को, पूरा टैक्स किसके पास आ गया, मैन्युफैक्चरर के पास आ गया, और मैन्युफैक्चरर ही जाके गवर्नमेंट को 26.25 पे कर देगा, होलसेलर रिटेलर को पे करने की जरूरत, ये प्रैक्टिकली ऐसा खासतौर पर यहाँ पे, बाकी और कंट्रीज में भी होता है लेकिन यहाँ तो ऐसे ही है, क्योंकि जो हमारे होलसेलर रिटेलर ये लोग हैं सब, ये उनके पास कोई रिकॉर्ड तो मेंटेन
रजिस्टर्ड ही नहीं होते, रिकॉर्ड ही मेंटेन नहीं होता, तो वो क्या कैलकुलेशन करेंगे, क्या पे करेंगे? इसलिए मैन्युफैक्चरर जो है पूरा टैक्स ले लेता है, वही जाके गवर्नमेंट को पे कर देता है। ठीक है, अच्छा आगे थोड़ा बताता हूँ। होलसेलर जब मैन्युफैक्चरर रिटेलर को सेल करेगा तो वो अपना प्रॉफिट रख लेगा कितना, 20 का, ये कितना होगा 146.25। और जब रिटेलर कंज्यूमर को सेल करेगा तो वो 30 ऐड करके पूरा जो रिटेल प्राइस होगी, जो रिटेल प्राइस होगी उस पे वो कंज्यूमर को सेल कर देगा। इस तरह से हर एक को अपना अपना प्रॉफिट मिल गया और टैक्स सारा का सारा मैन्युफैक्चरर के पास, वही जाके गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा करवा देगा। फिर रिटेलर या मैन्युफैक्चरर को टैक्स जमा करवाने की जरूरत नहीं, ये प्रैक्टिकल। ठीक है, जहां पे प्राइस प्रिंट हो। ठीक है, अब इसको कॉपी कर लें। अच्छा, देखिए ये हमने यहाँ कैलकुलेशन क्या की है कि आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स इक्वल्स टू वैट पेबल। देखो ये कैलकुलेशन हो रही है, आउटपुट माइनस इनपुट, आउटपुट माइनस इनपुट इक्वल्स टू पेबल। इसको एक फॉर्मूले के फॉर्म में लिख लेते हैं। फॉर्मूला बन गया इसका क्या कि वैट पेबल और रिफंडेबल इक्वल्स टू आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट। जब पॉजिटिव आंसर होगा तो पेबल होगा, नेगेटिव आंसर आया तो रिफंडेड। ये क्या बात है, पेबल तो समझ आता है, वैट पेबल यानी कि बिजनेसमैन गवर्नमेंट को वैट पे करेगा इतना, और रिफंडेबल का मतलब कि बिजनेसमैन गवर्नमेंट से अब रिफंड लेगा, ज्यादा देगा। ठीक है, ये क्या बात हुई, ये समझ में नहीं आया। अच्छा पहले तो फॉर्मूले के अब तक समझा दूं। पॉजिटिव आंसर है तो मींस पेबल के बिजनेसमैन गवर्नमेंट को पे करेगा, लायबिलिटी ये बिजनेसमैन के लिए होगा। नेगेटिव आंसर हुआ तो ये रिफंडेबल है, मींस बिजनेसमैन गवर्नमेंट से अब रिफंड लेगा। ठीक, अब ये कैसे होता है ये समझा देता हूँ, होता क्या है। देखिए भाई, पॉजिटिव आंसर आया तो पेबल बिजनेसमैन गवर्नमेंट को पे करेगा, नेगेटिव आंसर आया तो रिफंडेबल, क्या बिजनेसमैन गवर्नमेंट से रिफंड ले, आपने ज्यादा टैक्स पे कर दिया गवर्नमेंट आपको रिफंड नहीं, नॉर्मली रिफंड लेते नहीं है उसको, तो हम नेक्स्ट मंथ में कैरी फॉरवर्ड करते हैं, नेक्स्ट मंथ में वो एडजस्ट होता है। लेकिन इस तरह हो सकता है ना कि किसी एक मंथ में आपने परचेज ज्यादा की तो आपका इनपुट टैक्स ज्यादा हो गया, इसी वजह से सेल्स आपकी कम रही, आप बीमार हो गए, बिजनेस बंद रहा, लॉकडाउन लग गया, जैसे लॉकडाउन हुआ था 15 15 दिन बिजनेस बंद रहे थे, तो आपकी क्या सेल कम हो जाएगी, सेल कम होगी तो आउटपुट भी कम होगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, नेगेटिव में आएगा, तो वो बन जाएगा फिर रिफंडेबल, कि आप गवर्नमेंट को पे नहीं करेंगे बल्कि गवर्नमेंट से रिफंड लेंगे। अच्छा रिफंड लेते नहीं है, फिर उसको हम नेक्स्ट मंथ में कैरी फॉरवर्ड करते हैं, फिर नेक्स्ट मंथ में क्या होगा, परचेज आप नहीं करेंगे या कम करेंगे और सेल आप बढ़ाएंगे, तो आप वो खुद ब खुद एडजस्ट, तो रिफंड लेने की जरूरत पड़ती है। सही, अगर इनपुट टैक्स ज्यादा हो, आउटपुट टैक्स कम है, परचेज ज्यादा है, सेल्स कम रही है आपके, तो वो आंसर नेगेटिव में आएगा, तो वो क्या लाएगा, रिफंड रिफंड ले लें, गवर्नमेंट रिफंड कर देगी आप, हो जाता है। ठीक, अच्छा एक सिचुएशन और होती है इसमें कि जिसमें हमेशा रिफंडेबल ही आता है और रिफंड आपको गवर्नमेंट करती भी है। हाँ, वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का सीन होता है, एक्सपोर्ट्स में होता है। देखें जब हमको अफर्ट करें, अब आप एक एक्सपोर्टर हैं, आपने मैन्युफैक्चरर से गुड्स परचेज की, उनको पैक किया और एक्सपोर्ट कर दो। अच्छा एक्सपोर्ट का रूल क्या होता है कि जब हम कोई चीज एक्सपोर्ट करते हैं तो उस पर सेल्स टैक्स चार्ज नहीं, एक्सपोर्ट्स पर सेल्स टैक्स चार्ज नहीं। ठीक, अब आपने मैन्युफैक्चरर से गुड्स परचेज की, टैक्स पे किया, वो तो हो गया इनपुट टैक्स। अब आपने सारी गुड्स एक्सपोर्ट कर दी तो उसमें आउटपुट क्या मिलेगा आपको, जीरो, क्योंकि एक्सपोर्ट्स पे सेल्स टैक्स चार्ज नहीं होता, तो आपका आउटपुट टैक्स हमेशा जीरो रहेगा। ठीक, तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव, तो वो आपके लिए हो जाएगा रिफंडेबल और आप गवर्नमेंट से रिफंड क्लेम करेंगे, गवर्नमेंट आपको रिफंड कर, कोई नुकसान नहीं है। तो इम्पो एक्सपोर्ट के केस में हमेशा आंसर रिफंडेबल ही हो, क्योंकि आप मैन्युफैक्चरर को पे करेंगे और एक्सपोर्ट पे चार्ज नहीं करेंगे, तो आउटपुट आपका हमेशा जीरो रहेगा, इनपुट आपका बढ़ता रहेगा, आउटपुट हमेशा जीरो, तो आंसर हमेशा रिफंडेबल आएगा, तो गवर्नमेंट आपको रिफंड भी करेगी। अच्छा गवर्नमेंट रिफंड करेगी तो उसमें गवर्नमेंट को कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट अपनी जेब से थोड़ी रिफंड करती है।
आपने मैन्युफैक्चरर से ये परचेज करते वक्त टैक्स पे किया, मैन्युफैक्चरर उस टैक्स का क्या करेगा? वो जाके गवर्नमेंट को देगा, गवर्नमेंट आपको पैसे आपको वापस कर, आपका ही पे किया हुआ टैक्स घूम फिर के आपके पास वापस आ, वही पैसे आपको रिफंड की फॉर्म में मिल जाते हैं। उसमें ना किसी का फायदा है ना किसी का नुकसान। ठीक है, आपने मैन्युफैक्चरर को पे किया, वो जाके उसके लिए वो आउटपुट हो गया, जाके गवर्नमेंट को पे करेगा, गवर्नमेंट आपको रिफंड कर देगी, तो आपको एक पे किया हुआ टैक्स घूम फिर के आपके पास वापस, तो फायदा नुकसान किसी का भी नहीं आता। वो अलग बात है, चाय पानी देना पड़ता है, लेकिन आता है। बाकी एक्सपोर्टर को तो देते ही, क्योंकि एक्सपोर्ट्स तो मुल्क के लिए फायदेमंद है ना। आप जितनी ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगे उतने ज्यादा डॉलर्स आएंगे आपके मुल्क में, तो आपकी इकोनॉमी ग्रो करती है। ठीक है, एक्सपोर्ट से एक्सपोर्ट नुकसानदेह होती है, एक्सपोर्ट फायदेमंद है। एक्सपोर्ट करते समझ आ गया? आप देखते हैं, अच्छा एक प्राइस होती है टैक्स से पहले, ऐड होने से पहले, और एक प्राइस होती है टैक्स ऐड होने के बाद। तो टैक्स ऐड करने से पहले की जो प्राइस होती है वो कहलाती है नेट अमाउंट, और ये टैक्स ऐड होने के बाद जो टोटल आएगा ये कहलाता है ग्रॉस। तो नेट अमाउंट प्लस टैक्स इक्वल्स टू ग्रॉस। अच्छा यहाँ देखिए, हमने टैक्स कितना परसेंट चार्ज कर रहे हैं, 17.5। अच्छा अगर नेट अमाउंट और ग्रॉस अमाउंट इनको भी अगर परसेंटेज में शो करें, तो नेट अमाउंट की परसेंटेज क्या होगी, ग्रॉस की परसेंटेज क्या होगी? और नेट अमाउंट 100% होगा, उसमें टैक्स ऐड हो रहा है, तो ग्रॉस बनेगा 1। तो नेट अमाउंट हमेशा 100% होगा, उसका टैक्स कैलकुलेट हुआ 17.5, तो ग्रॉस हो जाएगा 117.5। इसको आप चेक भी कर सकते हैं, 800 का 117.5% कैलकुलेट करें तो 1940 है, 117.5। चेक भी कर लेते ना, 800 मल्टीप्लाई बाय 117.5 डिवाइडेड बाय 100, 940 आ रहे हैं। ठीक, अच्छा ये जो इस, अच्छा आप ये नेट अमाउंट है और ग्रॉस अमाउंट है, इनके लिए बुक्स क्वेश्चंस में, बुक्स में एक और टर्म भी यूज होती है, एक्सक्लूडिंग टैक्स इंक्लूडिंग। अगर किसी अमाउंट के साथ लिखा हुआ है एक्सक्लूडिंग टैक्स, इसका मतलब होगा वो नेट अमाउंट है, और किसी अमाउंट के साथ लिखा हुआ है इंक्लूडिंग टैक्स, इसका मतलब होगा वो ग्रॉस अमाउंट। तो कहीं पे वो नेट अमाउंट और ग्रॉस अमाउंट की टर्म यूज करता है क्वेश्चन में, कहीं पे इंक्लूडिंग और एक्सक्लूडिंग की टर्म यूज। ठीक है, तो ये नोट कर लें और ये परसेंटेजेस याद रखें। ये जस्ट नोट कर लें, अब अगर नेट अमाउंट है 800 और आपको वैट कैलकुलेट करना है, तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 17.5 डिवाइड बाय 100 कर देंगे, तो वैट आ जाएगा 17.140 ना, 140। अगर आप, आपको ग्रॉस अमाउंट दिया हुआ है 940 और आपको वैट कैलकुलेट करना है, तो ग्रॉस से आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 17.5 से, डिवाइड कर देंगे 117.5 से, तो वैट आ जाएगा 140। ये जिस नोट कर लें, नेट अमाउंट से वैट किस तरह कैलकुलेट होगा और ग्रॉस अमाउंट से वैट किस तरह कैलकुलेट किया जाए। ठीक, बस डिफरेंस क्या है कि अगर नेट अमाउंट गिवन है तो 100 से डिवाइड करेंगे, ग्रॉस अमाउंट गिवन है तो आपने 117.5 से डिवाइड। अच्छा 117 इसलिए ले रहे हैं कि यहाँ वैट का रेट है 17.5। अच्छा अगर वैट का यहाँ रेट हो जाए 20%, पर ये 117 की जगह 120% हो जाएगा, और वैट का रेट अगर 10% हो तो फिर ये 117 की जगह 110 हो जाएगा। ये नोट कर लें और इसको याद रखिएगा कैलकुलेशन।